गांव से शहर में सामान खरीदने आया युवक एटीएम से रुपए निकालने गया था। वहां एटीएम में उसे 5,000 रुपए मिले तो ईमानदारी दिखाते हुए कोतवाली थाने पहुंच गया, पुलिस को रुपए सुपुर्द कर दिए। मामला बाड़मेर शहर के गांधी चौक का है। फिलहाल पुलिस ने रुपए ले लिए हैं और एटीएम के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ये रुपए किसके हैं। गांव से शहर में सामान खरीदने आया युवक एटीएम से रुपए निकालने गया था। वहां एटीएम में उसे 5,000 रुपए मिले तो ईमानदारी दिखाते हुए वह कोतवाली थाने पहुंच गया, पुलिस को रुपए सुपुर्द कर दिए। मामला बाड़मेर शहर के गांधी चौक का है। फिलहाल पुलिस ने रुपए ले लिए हैं और एटीएम की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि रुपए किसके हैं। बूट जेतमाल गांव निवासी रुकमण राम के मुताबिक मंगलवार को सुबह गांव से बाड़मेर मार्केट में खरीदारी करने के लिए आया था। एटीएम से रुपए निकालने के लिए गांधी चौक आईडीबीआई बैंक गया था। उस एटीएम में कोई नहीं था। एटीएम मशीन के डिस्प्ले पर लिखा था कि कलेक्ट योर कैशबैक। उसने मशीन में देखा तो 5,000 रुपए अटके मिले। रुपए लेकर उसने एटीएम कैश लोड करने वाले युवक को इसकी जानकारी दी। दोनों कोतवाली थाने पहुंचे। युवक ने 5,000 रुपए कोतवाली पुलिस को सुपुर्द कर ईमानदारी का परिचय दिया। एटीएम मशीनों का ट्रांजेक्शन स्लो होने के कारण रुपए लेट आए होंगे। बैंक में गया था पैसे निकालने के लिए, वहाँ पहले ऑलरेडी पैसे आए हुए थे। मशीन बोल रही थी टेक योर कैश, मैंने कैश ले लिया। उसके बाद मैंने मेरा पेमेंट निकाला, फिर ये भाई साहब आए थे यहाँ एटीएम वाले, मैंने उसको संपर्क किया। संपर्क करने के बाद मैंने यहाँ कोतवाली थाने में जमा करवा दिए। कितने पैसे थे और आपसे पहले भी वहाँ कोई खड़े थे या आप गए थे वो एटीएम खाली था? नहीं नहीं, वहाँ कोई नहीं खड़ा था, मैं अकेले गया था। मेरे 5,000 रुपये थे। अब आपने वो पैसे कहाँ दिए? वो पुलिस थाने में या कोतवाली थाने में दे दिए। गौरतलब है कि पुलिस अब रुपए लेकर बैंक से संपर्क करने के साथ साथ एटीएम में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालेगी। वह युवक से पहले एटीएम से रुपए निकालने के लिए कौन आया था और किसके अकाउंट से रुपए निकले हैं, जांच पड़ताल के बाद संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर रुपए लौटाए जाएंगे।